So we will start with the resonance. तो होता क्या है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका बॉन्ड लेंथ आता है 1.34 एंगस्ट्रम। H3C CH3, इसका बॉन्ड लेंथ आता है 1.54 एंगस्ट्रम। बट इफ यू टेक बेंजीन तो ये डबल बॉन्ड है, इसका होना चाहिए 1.34, इसका होना चाहिए 1.34 एंगस्ट्रम, और ये 1.39 एंगस्ट्रम होना चाहिए, बट ये रॉन्ग आया। एक्सपेरिमेंटली फाउंड क्या मिला हम लोगों को, एक्सपेरिमेंटली फाउंड प्रीवियस टाइम लास्ट टॉपिक क्या था अपना, वो कंप्लीट किया था ना मैंने, हाइब्रिडाइजेशन ही ओवर किया था ना, डाइपोल मोमेंट ओवर किया था। डाइपोल मोमेंट में कुछ पॉइंट्स बचे हुए थे ना, एप्लीकेशन पार्ट बचा हुआ था उसका। तो रेजोनेंस अभी क्या करूं, मैं तो लिख दिया। ओके बट तो उसमें बहुत सारा कर लिया था हम लोगों ने ना, सिर्फ कुछ ही पॉइंट बचे हुए थे डाइपोल मोमेंट में। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का रिमेनिंग पार्ट कर लेते हम लोग। इसको कंटिन्यू करेंगे, यहीं से करेंगे है ना, एप्लीकेशन में लास्ट पार्ट बाकी था, एक ही एप्लीकेशन किया था ना। इसका मतलब हो गया कि ये वैलिड स्ट्रक्चर नहीं था। चलो तो एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट पूरा कर देते हैं। डायपोल मोमेंट तो पूरा कर दिया था, अब इसका एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट में पहला हम लोगों ने किया था कौन सा था, वो बेंजीन वाला, ऑर्थोमेटान पैरा वाला, ये था ना, उसका डायपोल मोमेंट म्यू नेट कैलकुलेट किया था सबका। हम लोगों ने कितना कितना आया था, ऑर्थो का आया था √3 μ, मेटा का आया था म्यू, पैरा का 0, यही था ना, सिस एंड ट्रांस। ओके टू डिस्टिंग्विश सिस एंड ट्रांस फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सिस और ट्रांस में कैसे करेंगे ये देखो, पिछले बार जो मैंने अपलोड किया था यूट्यूब पे, वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने ग्रुप पे ही डाल दिया था, group 3-4 पे, वो देखा कि ऐसे ओपन हो रहा है, अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो फिर दोनों मैंने जो प्रीवियस टाइम के यूट्यूब वाले पे ना पोस्ट करके यहाँ पे ग्रुप पे डाल दिए थे, तो ओपन हो गया था क्या फिर वो, ओपन हो गया था ना, गुड। तो कभी कभी ऐसा हो जाता ना कि फाइल करप्ट भी आ जाता, बिल्कुल ओपन नहीं होता, ये ओपन हो रहा था, उसमें टाइम ले रहा था, इसलिए पर एक फाइल था वो ओपन ही नहीं हुआ, इसलिए कभी भी
किसी भी हालत में लेक्चर अटेंड करो, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो फाइल ओपन ही ना हो। इसका डाइपोल मोमेंट म्यू वन और म्यू वन, तो म्यू वन का म्यू नेट किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा ना, और एच और सी में क्या डायरेक्शन आएगा, इधर से किधर होगा। विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से कहा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों हो रहा, इधर आएगा, यहाँ से भी लेस से मोर क्यों हो जाओ तो इधर जाएगा, इधर ओवरऑल म्यू नेट हुआ ना। सिस इज पोलार, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब सिस क्या होता है, पोलार मॉलिक्यूल, और ये क्या होता है, ट्रांस रहता है। ट्रांस का कैसा हो गया, ये म्यू वन है तो ये म्यू वन है, तो ये दो पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर का म्यू क्या हो गया, जीरो ना, और इधर क्या होगा, म्यू टू एच सी सी, इसका भी म्यू नेट क्या होगा, जीरो, मतलब नॉन पोलर। तो किसकी किसका बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, सिस का ज्यादा होता है पोलार मॉलिक्यूल में। पोलार मॉलिक्यूल मतलब आयनिक कंपाउंड जैसा हो गया, और कोवेलेंट मॉलिक्यूल नॉन पोलर जनरली मानते होते हैं, आयनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना, तो पोलार मॉलिक्यूल है तो बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन ट्रांस आइसोमर्स। तो ट्रांस कौन सा हो गया, अब याद कर लेना, ट्रांस मतलब जिसमें दोनों ग्रुप अपोजिट हो, दोनों सी एल 180 पे है, दोनों एच 180 पे है, और सिस मतलब दोनों जो सेम साइड होगा। बट ये टू हो गया थर्ड, टू डिटरमाइन द परसेंट आयनिक करेक्टर, ये क्वेश्चन आएगा, टू डिटरमाइन द परसेंट आयनिक कैरेक्टर, कैसे परसेंट आयनिक कैरेक्टर हमें डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये मान लो कि एक मॉलिक्यूल ले लो ए बी, यहाँ डेल्टा प्लस है, यहाँ डेल्टा माइनस है, तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, यदि 100% आयोनिक होगा तो कितना होगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, डेल्टा है तो कितना परसेंट आयोनिक हो गया, इतना ना, एग्जांपल, ये एग्जांपल ही आते रहता है, HCl है, यहाँ बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है तुम्हें 1.27 एंगस्ट्रम, और डाइपोल मोमेंट इज 6.090, सो व्हाट विल बी परसेंट आयोनिक कैरेक्टर, ये क्वेश्चन आते ही रहता है, तो एक बार अटेम्प्ट करो, प्रीवियस टाइम जो बताया था ना, डी क्या था, वन डी बाई याद होगा तुम्हें, 10⁻¹⁸ ESU सेंटीमीटर, जस्ट ट्राई, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ट्राई करके बताओ मुझे, 2-3 मिनट टाइम ले लो।
17%, आयुष का आंसर है, साहिल का आंसर है, दो आंसर आए हुए और ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मतलब इसका फिक्स क्वेश्चन है IIT वाले जो आते रहते हैं। हाँ फॉर्मूला से जो हुआ डेल्टा के वैल्यू भी हो सकता है ना निकालना है, अब दो ही लोग का आंसर आया, म्यू स्क्वल टू डेल्टा इन टू डी, म्यू का वैल्यू कितना है 6.09 डी, मतलब 6.0 × 10⁻¹⁸, तो ESU सेंटीमीटर हो गया अभी, और डेल्टा कितना है ESU में तुम कैलकुलेट कर सकते हो, और डिस्टेंस सेंटीमीटर में चाहिए, डिस्टेंस कितना है 1.27 एंगस्ट्रम, 1.27 × 10⁻¹ सेंटीमीटर, तो इससे डेल्टा आ जाएगा। डेल्टा हो गया 6.09 × 1.27 × 10⁻¹⁰ ESU, तो परसेंट आयोनिक कैरेक्टर इक्वल टू डेल्टा बाई ई इंटू 100, तो डेल्टा ESU में है 6.09 × 1.27 × 10⁻¹⁰, ये भी ESU में रखो 4.8 × 10⁻¹⁰, ये याद होगा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है ना, इंटू 100%, तो इससे आ जाएगा ये 17% के आसपास। यही कैलकुलेशन था ना, कि कुछ मिस्टेक है कैलकुलेशन में वो बता दो। ओके करेक्ट है ना, इसमें एक मिस्टेक हुआ, डेल्टा का जो वैल्यू था म्यू का वैल्यू 1.03 था, ये तब आता वो, ये था 1.03, तब आता ये 1.03 बाय दिस, अब अप्रोक्सीमेटली 17% आ रहा होगा, राइट। तो मैंने ये डेटा ध्यान रखना, ये 1.03 डी था, 1.03 डी था, तो ये था, अभी 17% आ रहा, नहीं तो नहीं आ रहा था, वही मैंने सोचा। ओके ये हो गया, नाउ इतना तक तो कर लिया। हाँ एक और क्वेश्चन, NH3 and NF3, ये भी आएगा ही NCERT में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन तो आता ही है, विच इज मोर पोलर, तो NH3 में देखोगे तो NH3 का भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस उतना ही है जितना NF3 का है, नाइट्रोजन का 3 तो फ्लोरीन का 4, इधर भी कितना हो गया नाइट्रोजन का 3 तो हाइड्रोजन का 2.1, किसका ग्रेटर होगा, किसी ने पढ़ा क्या, NH3 का ग्रेटर है, यस। तो होता क्या है कि डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस तो सेम है, बट इसका डायरेक्शन देखो तो इधर से इधर, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, ऐसे हुआ ना, ये सब एकदम लर्न कर देना फिर डेटा। और जब इलेक्ट्रॉन होगा तो डेल्टा प्लस से डेल्टा माइनस, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के भी हमेशा डायरेक्शन होगा ना, इसका म्यू नेट क्या हो गया, एडिटिव हो गया, बट इसमें क्या होगा, ये जो म्यू नेट होगा ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये तीनों का नीचे की ओर म्यू नेट है और ये ऊपर हो गया, इसमें क्या होगा, इफेक्ट इज कैंसल्ड ना, समवॉट, पूरा नहीं, पोलर तो रहेगा ही, तो म्यू नेट क्या होगा, ओवरऑल डिक्रीज हो गया,
unit is less than NH3, यही होगा ना? हाँ, NH3 में लोन पेयर का और हाइड्रोजन का ये सारा मान लो कि फोर्स मान लो, तो बताया था ना फोर्स के साथ सबका डायरेक्शन ऊपर की ओर आएगा, और NH3 में क्या हो गया, ऐसा नहीं आ रहा, इसलिए स्ट्रेस होगा। ओके, पिछले बार 15 में जब डायपोल मोमेंट बताया था तो मुझे लगता है कि दो तीन लोग निकल गए थे, उन्हें अब नहीं समझ में आएगा, अब तुम लोग देखो कैसे समझना, रेस्ट ऑल ऑफ यू जो पढ़ना चाहते हो उन्हें तो समझ में आया होगा। ओके, अब वापस आ जाओ रेजोनेंस पे। रेजोनेंस में मैंने बताया कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ बल्कि बॉन्ड लेंथ ऑफ बेंजीन इज 1.34 एंगस्ट्रॉम बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये है ना, बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ना वो सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, तब कैसे होगा? मतलब ये जो तुम स्ट्रक्चर बना रहे हो, कैक्यूले ने जो बताया था ये वाला स्ट्रक्चर और एक ये स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, ये सब बेंजीन है ही नहीं, ये क्या एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है ना, ये क्या होंगे इमेजिनरी स्ट्रक्चर। क्यों? इसके अकॉर्डिंग बॉन्ड लेंथ अलग अलग होना चाहिए, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ छोटा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बड़ा होना चाहिए। तो रेजोनेंस हम लोग क्या बोलते हैं कि होता है, तो रेजोनेंस क्या बोलेंगे, व्हेन वन जो तुमने स्ट्रक्चर बनाया, व्हेन वन स्ट्रक्चर कैन नॉट जस्टिफाई ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व, जो जो प्रॉपर्टी है उसको नहीं बता पा रहा, देन वी से कि मॉलिक्यूल इज इन रेजोनेंस। When one structure cannot justify all of its observed property, then molecule is said to be in resonance. मतलब तुम कोई भी स्ट्रक्चर ले लो तो प्रॉपर्टी मान लो उसको मैच नहीं कर रहा, जैसे ये तुम बोलोगे कि कार्बोनेट है ऐसे, बट एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली करते हैं ना तो बॉन्ड लेंथ मालूम चलता है कि अरे सब बॉन्ड लेंथ सेम है, ये मतलब ये कार्बोनेट नहीं हो सकता, ये एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। हम लोग यहाँ डबल बॉन्ड मान रहे हैं या सिंगल बॉन्ड मान रहे हैं, मतलब ये बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा होगा, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, डबल बॉन्ड थोड़ा क्लोज आता है, ट्रिपल बॉन्ड एकदम क्लोज आ जाता है, ऐसे है ना। तो बॉन्ड लेंथ अलग होना चाहिए, ये दोनों पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, यहाँ पे जीरो चार्ज आना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंट नहीं मालूम चलता है कि नहीं चार्ज भी सब पे इक्वल है, मतलब ये कार्बोनेट तो हो ही नहीं सकता। तो उसी तरह जब मालूम चला कि एक स्ट्रक्चर से सारा प्रॉपर्टी जस्टिफाई नहीं हो रहा, तो हम लोग कहेंगे कि मॉलिक्यूल इज इन रेजोनेंस, देन वी टेक सम कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कौन लेगा, हम लोग लेंगे, तो सम कैनोनिकल या उसी को क्या बोलोगे, रेजोनेटिंग structures are taken, some imaginary structures are taken, जैसे ये दोनों imaginary structure लोगे है ना, ये actually ये सब क्या है, imaginary है ना, मतलब ये exist ही नहीं करता, ये तुम्हारे बस सपने में, ये benzene है ही नहीं, ये false structure है, some resonating structures are taken and real structure is made from the contribution of all the imaginary structures and real structure matlab resonance hybrid, real structure ko kya bologe, hybrid hai wo, sabse milke banega resonance hybrid, and real structure is made up of the
contribution of all the resonating structures. तो ये क्या होता है, मेड अप फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट मोर, मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट मोर. A more stable canonical structure will contribute more. अब जैसे कि ये जो बेंजीन हो गया, अब ये एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर. शुभम मीटिंग से इधर से ये आ गया और इससे 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 ऐसे आ गया. हाँ, ये दो इमेजरी स्ट्रक्चर हो गए. अब जो रियल स्ट्रक्चर बनाओगे दोनों के कंट्रीब्यूशन से बनेगा. ये दोनों को जब रेजोनेटिंग का स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो इस तरह का एरो बनाओगे, एक एरो दे दोगे, मतलब ये दोनों एक इमेजरी स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. और जो हाइब्रिड बनेगा वो दोनों कंट्रीब्यूशन से बनेगा. तो ये क्या करेगा, तुम अब इस पे पॉइंट पे जाओगे तो दिस विल कंट्रीब्यूट डबल बॉन्ड, बट इसका 50% यहां तक पहुंचा. तो डबल बॉन्ड का 50% कितना होता है, सिंगल बॉन्ड. और ये वाला पॉइंट क्या कंट्रीब्यूट करेगा, सिंगल बॉन्ड, बट इसका 50% ही इसके जैसा दिखेगा, मतलब दोनों के जैसा वो 50-50% दिखेगा. 50% ये पेरेंटल स्ट्रक्चर होंगे, 50% पहले जैसा, 50% दूसरे जैसा दिखेगा. वो तो कैसा हो जाएगा, वो डबल बॉन्ड कंट्रीब्यूट किया बट उसको तो 50% ही मिला. तो डबल बॉन्ड का 50% क्या होता है, वो सिंगल, और यहाँ सिंगल बॉन्ड का 50% 0.5 कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर, 1.5 ना, मतलब यहाँ पे ऐसे हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर. सिंगल बॉन्ड ऐसे 1.5 मतलब ऐसे, ये 1.2 1.3 1.5 1.7 जो कुछ भी रहे ऐसे बनाना. डबल बॉन्ड ऐसे 2.1 2.3 2.4 ऐसे डॉटेड, ये ट्रिपल बॉन्ड. गेरवाना कैसे बनाना है. हाँ, तो अब ये जब बना दिया तो यहाँ पे कैसे आएगा, डॉटेड स्ट्रक्चर आएगा ना, कैसे, उसने डबल बॉन्ड कंट्रीब्यूट किया बट उसका 50% ही मिला, मतलब सिंगल बॉन्ड, उसने सिंगल बॉन्ड कंट्रीब्यूट किया तो उसका 50% ही मिला, तो 0.5 ऐसे. फिर दूसरे का भी कंट्रीब्यूशन आएगा, इसका भी ऐसे आएगा, इसका भी इधर आएगा, इसका भी इधर आएगा. हाँ, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, सबका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5, तो हर जगह सेम आ गया ना बॉन्ड लेंथ. तो अब बेंजीन को बनाना होगा तो इसको सिंपली ऐसे सर्कल बना देंगे. अब इतना कौन ऐसे डॉटेड बनाते जाएगा दूर तक, है ना, उसके जगह एक सर्कल बना देना, मतलब इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है. ये रियल बेंजीन है. क्लियर हुआ, तो उसको क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड. और जो हाइब्रिड क्यों बना, ये दोनों के कंट्रीब्यूशन से बना है. और तो यही क्या होता है, रियल स्ट्रक्चर. रियल स्ट्रक्चर ये है ना, दो इमेजिनरी स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन से बना हुआ. तो जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है. क्लियर, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ले लो, तो इसकी एनर्जी यहाँ पे ये है, इसकी एनर्जी ये है, तो ये दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग जो एनर्जी को बोलेंगे वो कल आएगा रेजोनेंस एनर्जी. दिस डिफरेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी, मतलब इमेजिनरी स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में कितना स्टेबल है. तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस
बिटवीन, मोस्ट स्टेबल, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। ये दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। अब बताओ, इतना में कुछ डाउट आया? इतना तक क्लियर है? अचल, ओके, अचल ने बोला नो डाउट। और लोग भी लिख दो जल्दी से, डाउट है तो रेज योर हैंड, अदरवाइज लिख दो क्लियर। यस, आयुष को क्लियर है, अचल को क्लियर है, और लोग, नील, ओके, साहिल। कैनोनिकल स्ट्रक्चर मतलब इमेजिनरी स्ट्रक्चर, जो तुम्हारे इमेजिनेशन में, सिर्फ सपने में। तो जो मंजिन का जो बनाते आए हो ना आज तक, वो सब सपने में इमेजिनेशन है सिर्फ। मेहुल, ओके, शुभम, दुर्वेश, साहिल, ओके, डन सबको। आनंदी, तुमने यस नहीं बोला। सौरभ, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं है। यश, आजकल शांत पड़े हुए, दोनों यस में से किसी ने नहीं बोला अभी। हाँ, यश ने बोल दिया। यश गुप्ता, अदिति, विच वन इज मोर स्टेबल? ऑलवेज रेजोनेंस हाइब्रिड विल बी मोर स्टेबल। जो इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाओगे ना, उसमें एक जगह डबल, एक जगह सिंगल, बट जब यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, एक जैसा हो जाता है, तो मोर स्टेबल हो जाता है। तो हमेशा रियल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है, जो रियलिटी में, नेचर में फाइंड किया जाता है, वो मोर स्टेबल है, राइट? और जो तुम इमेजिनेशन बना रहे हो, वो सब लेस स्टेबल होगा। हाँ, ओरिजिनल विल बी मोर स्टेबल, जो एग्जिस्ट करता है वो मोर स्टेबल, जो एग्जिस्ट नहीं करता इमेजिनेशन में, वो सब अनस्टेबल है, लेस स्टेबल है। आनंदी बोलो। सर, वो समझा कि जो वो स्टेबल रहेगा, बट आपने बोला कैनोनिकल स्ट्रक्चर में जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, राइट? तो ऑब्वियसली सब बेंजीन के जैसे सिमिलर नहीं दिखते होंगे, लेकिन हम लोग को पता कैसे चलेगा कौन सा ज्यादा स्टेबल है कौन सा नहीं? अच्छा, वो रेजोनेंस एक टॉपिक हम लोग ऑर्गेनिक में आ जाए, जहाँ पे वो बहुत डिटेल पढ़ोगे। जैसे इसका एक स्ट्रक्चर और मैं बना देता हूँ, ठीक है? बेंजीन का एक स्ट्रक्चर दीवार स्ट्रक्चर है। दीवार स्ट्रक्चर किसी को मालूम है कि उसने कैसा बनाया था? उसने इधर से इधर किया था, और ये दो बॉन्ड को यहां से यहां तक कनेक्ट कर दिया। अब सोचो कितना स्ट्रेस्ड होगा ये, इतने दूर को बीच में एक बॉन्ड बनाओगे तो स्ट्रेस होगा, तो क्या होगा, लेस स्टेबल हो गया ना। इसकी एनर्जी बहुत हाई होगी, अनस्टेबल की एनर्जी हाई होती है, तो क्लियर है ना? हाँ, तो तुम्हें मोर स्टेबल केमिकल स्ट्रक्चर लेना। बेंजीन के ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर तुम बना दोगे, बट सबसे अनस्टेबल ये दो है जो तुम जानते हो। यही दो मालूम था ना, सबसे स्टेबल वाले बताए गए, तुम्हें अनस्टेबल वाले नहीं बताए गए। क्लियर? यस सर। ओके, कितने भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बहुत सारे हो सकते हैं सबको ब्रेक करके, बट उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो जाएगा फिर। ओके, और किसी का कुछ है? नहीं, ये हो गया। अब जैसे कार्बोनेट लिया गया, कार्बोनेट, ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जॉर्ब क्या है, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, एंड चार्ज ऑन ऑल ऑक्सीजन आर सेम। चार्ज भी सबको पर सेम होता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कार्बोनेट नहीं है, ये क्या हो गया, एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर हो गया, जिसको तुम आज तक जानते रहे कि कार्बोनेट हो, एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर हो गया। तो रियल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, ओ माइनस। अब
इसको शिफ्ट करो, इसको यहां से यहां से यहां से यहां से, राइट। तो ये इसको हम लोग ने बना दिया डबल बॉन्ड, तो ये इन टर्न सिंगल हो गया, चार बॉन्ड नहीं होना चाहिए था ना हमेशा। अगले में एक बार और शिफ्ट करो तो इस बार डबल बॉन्ड ऊपर था, यहाँ राइट साइड में आ गया, अगले में डबल बॉन्ड इधर कर दो। इसके तीन इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाए, तो थोड़ा रियल स्ट्रक्चर बनाओगे तो सबका कंट्रीब्यूशन वन थर्ड आएगा। तो ये सब क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब इमेजिनरी स्ट्रक्चर। रियल स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, हाइब्रिड जो होगा कैसे बनेगा, एटम का पोजीशन तो चेंज नहीं करना, एटम का पोजीशन वही रखो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होता है। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, मॉलिक्यूल 33% पहले जैसा दिखेगा, फर्स्ट कैनल का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल 33% सेकंड कैनल का स्ट्रक्चर जैसा दिखेगा, 33% इसके जैसा दिखेगा। तो सबके जैसा वन थर्ड कंट्रीब्यूशन आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा गेस कर सकते हो, अथर्व नील 4/3 करेक्ट, नील एंड अथर्व दोनों का आंसर करेक्ट है, इट इज 4/3। कैसे होगा, अब इसने कंट्रीब्यूट किया सिंगल बॉन्ड, इसका कितना कंट्रीब्यूशन इसको मिलेगा, यहाँ पे 1/3, सिंगल बॉन्ड का 1/3 कितना हो गया 1/3। अब इसने भी यहां से कंट्रीब्यूट किया सिंगल बॉन्ड, बट इसको मिलेगा कितना 1/3 ही ना, क्योंकि तीन स्ट्रक्चर है, यदि ऐसे चार स्ट्रक्चर होते तो सबका 25% कंट्रीब्यूशन आता, पांच ऐसे स्ट्रक्चर होते तो सबका कितना आता 20% कंट्रीब्यूशन, इक्वल कंट्रीब्यूशन आएगा। दो स्ट्रक्चर है तो सबका 50% आता, और ये डोनेट करेगा डबल बॉन्ड, इसका कितना कंट्रीब्यूशन आएगा 2/3 ना। क्लियर हुआ सबको, सारे स्ट्रक्चर का 33% कंट्रीब्यूशन ले लो। यस गुड, क्लियर है ना। तो जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो सबका 1/3 कंट्रीब्यूशन ले लो, हर जगह जो आ गया यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड 1.5 4/3 है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर बिकम्स 4/3, और हर जगह सेम ही होगा, यहाँ भी वही रहेगा, एक सिंगल बॉन्ड मतलब 1.33 है ना, तो 1 कंप्लीट है, दूसरा 0.33, तो बॉन्ड ऑर्डर 4/3 आ गया। चार्ज सब पे क्या आएगा, ओके तो चार्ज बता दो, क्लियर हुआ तो सब पे चार्ज क्या क्या आ सकता है। नेगेटिव आएगा, बट कितना आएगा चार्ज, क्या -1 सब पे आएगा,
नहीं आ रहा है। ओके हाँ आयुष, करेक्ट, आयुष का आंसर आ गया था। और लोग कभी आएगा, ट्राई करो। सबका 1/3 कंट्रीब्यूशन लेके बनाना। आनंदी, करेक्ट है, आयुष आनंदी, दो आंसर करेक्ट आया। और साइड लॉन्ग हो रहा है, सब पे -1 कैसे आएगा। ओके देखो, तो दो आंसर मिल गए तो बता देता हूँ। ये 0 कंट्रीब्यूट करेगा, तो 0 का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 0 ही आएगा, 0/3 0। ये कितना कंट्रीब्यूट किया, -1, तो उसका 1/3 आएगा इसका कंट्रीब्यूशन। और इसका इसका भी -1/3 ना, कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, तो -2/3 ना। हाँ तो ये हो गया -2/3, -2/3, -2/3। क्लियर हुआ, चार्ज ऑन ऑल आर इक्वल, बॉन्ड ऑर्डर इज ऑल्सो सेम। हर जगह से बॉन्ड ऑर्डर तो सबका सेम ही आ गया ना। बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1.33। इतना करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या करना है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाओगे, सोचो, सबको सब इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहाँ पे वो माइनस है, वो माइनस है, वो माइनस, अच्छा यहाँ पे वो माइनस, एक को डबल ले लो। ये तो ये इमेजनरी स्ट्रक्चर है। हाइब्रिड कैसा होगा, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है ना। हाइब्रिड के लिए सबको इक्वल बांटना है, तो जितना चार्ज और ये है सबको इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो चार्ज टोटल है कितना तुम्हारे पास, -1 -1 -2 ही है ना, तो सबको चार्ज इक्वल दे दो, -2/3, -2/3, -2/3। और टोटल बॉन्ड कितना है, 4 बॉन्ड है ना, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। इक्वली डिवाइड कर दो, कितना होगा, 4/3, 4/3, 4/3, यही हुआ ना। तो बॉन्ड ऑर्डर को इक्वल कर दो, मतलब एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाना है। बॉन्ड टोटल 4 था, 4 को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, सबको 4/3, 4/3, 4/3 मिल गया। चार्ज भी -2 था, -2/3, -2/3, -2/3 हो गया। क्लियर है ना, एक बार में कैसे बनाओगे। हाँ तो ये मेथड है प्रॉपर वाला, कंट्रीब्यूशन लेके बनाते रहो। और एक हो गया कि जब सिमेट्रिकल ही बनाना है तो क्या फर्क पड़ता है, चार्ज और बॉन्ड सब इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हो गया। ओके तो सल्फेट का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड इसका बनाओ, मतलब रियल स्ट्रक्चर सल्फेट कैसा होगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, चार्ज कितना होगा सबके।
बॉन्ड ऑर्डर, हाँ शुभम करेक्ट है, एक ही आंसर है शुभम का। चार्ज कितना होगा फिर? हाँ आयुष करेक्ट है, यस नील करेक्ट है, साहिल ऑल्सो, और शुभम आयुष नील एंड साहिल। हाँ चार्ज भी करेक्ट है साहिल, तुमने चार्ज सही बता दिया, शुभम ने भी चार्ज सही बता दिया। ओके आयुष ने भी सही बताया, और नील थोड़ा सा चार्ज में तुम्हारा रॉन्ग हो रहा है, अचल ने भी बॉन्ड ऑर्डर सही बता दिया, चार्ज आनंदी थोड़ा रॉन्ग हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर करेक्ट है, सोहम थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है। सी टोटल बॉन्ड कितना है तुम्हारे पास, बॉन्ड काउंट करो तो। टोटल 6 बॉन्ड है ना, और सबके बीच में इक्वली डिवाइड करना है, तो 6 बॉन्ड को इक्वली डिवाइड करोगे तो सबको 6 बाई 4, 6 बाई 4, 6 बाई 4 ही तो मिलेगा, मतलब 1.5 बॉन्ड, ये 1.5 होगा, तो 1.5, 1.5, 1.5, टोटल 6 हो गए ना, 6 बॉन्ड थे, सबको इक्वली डिवाइड कर दो, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1.5। और चार्ज टोटल कितना था, 2 ऑक्सीजन पे -1 -1 है, तो -2 चार्ज ही है ना, हाँ -2 चार्ज को चार्ज सेंटर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो -2 बाई 4, -2 बाई 4, -2 बाई 4, -2 बाई 4, अब इसमें भी आएगा कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है, ये सब हम लोग करेंगे ऑर्गेनिक में, राइट। कई बुक में उसको यहाँ भी कवर किया हो, बट यहाँ पे ज्यादा नहीं कवर करना है, यही करना हम लोग। SO3 2 माइनस ऐसे बनाते हैं, तो ये तो इमेजनरी स्ट्रक्चर हो गया, हाइब्रिड कैसा होगा, फिर यहाँ पे S रखो, O रखो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 4 बॉन्ड है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ से ना, बॉन्ड ऑर्डर 4 बाई 3, चार्ज -2 है, तो -2 बाई 3, तो ये रियल स्ट्रक्चर में ऐसा होगा, सब चीज इक्विवेलेंट है। ओके तो मुझे CLO4- का बता दो बॉन्ड ऑर्डर, परक्लोरेट आयन, इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर है,
रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर और सब पे चार्ज, ट्राई करो। अभी करेक्ट है। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? टोटल 7 बॉन्ड्स है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 7/4 हो गया। करेक्ट। और चार्ज एक ही निगेटिव था, -1/4। आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया है ना। टोटल बॉन्ड काउंट कर लो और कितने ऑक्सीजन आइटम है, सबने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यही हुआ ना। तो 7 बॉन्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, तो बॉन्ड ऑर्डर बिकम्स 7/4। चार्ज कितना हो गया? -1 है, तो -1/4। यही है ना। ओके, तो यहां तक तो हो जा रहा है तुम्हें। चार्ज कैसे निकला? चार्ज कितना था? एक ही निगेटिव चार्ज है ना, क्लोरेट आयन पे एक निगेटिव चार्ज है और वही सारे ऑक्सीजन पे चला जाएगा ना। -1/4 -1/4 ऐसे ना। कार्बोनेट में 2 माइनस चार्ज था, तो वही -2 सारे ऑक्सीजन पे चला गया। -2/3 -2/3 -2/3। बॉन्ड इसके तो तुम बॉन्ड एनर्जी बता सकते हो, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ये क्वेश्चन आते रहता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा होगा? पहला हो गया CO, CO2, CO3 2-, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी? तो तुम बॉन्ड ऑर्डर देखोगे तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें 3 होता है, तुम्हें याद होता है, ऐसे मैंने बताया था। CO कैसे बताया था? डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे था ना, 3 बॉन्ड। CO2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ही है ना। और कार्बोनेट में अभी तुम्हें मालूम चल गया, 4/3 होता है ना ये। हाईएस्ट कौन सा हो गया? अच्छा, सब पे इक्वल दे दो, -2/3। सीओ का बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर होगा देन CO2 देन कार्बोनेट। अब तुम मुझे ये क्वेश्चन बता दो बेस्ड अपॉन दिस, SO2 SO3 2- SO4 2-, बॉन्ड एनर्जी ऑफ SO बॉन्ड सल्फर ऑक्सीजन। कैसे कैलकुलेट होगा? किसका हाईएस्ट होगा, किसका लोएस्ट होगा?
अपने बुकलेट को एक बार जरूर पढ़ना, बहुत अच्छी थियरी दी हुई है। ओके एसओ टू ग्रेटर देन एसओ थ्री टू माइनस देन एसओ फोर टू माइनस, ऐसे है। चार्ज पे नहीं, बॉन्ड ऑर्डर बताओ। ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, डबल बॉन्ड वीक होगा। 2.5 बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड देन 2.5 बॉन्ड, ऐसे आता है ना बॉन्ड एनर्जी। मतलब बॉन्ड एनर्जी बोला जाए तो किसका ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी? ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होगा, देन 2.5 बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन 1.5 बॉन्ड, देन 1 बॉन्ड, देन पार्शियल बॉन्ड। ऐसे लिख सकते हो ना। एसओ टू बॉन्ड ऑर्डर क्या था? ये तुम्हें डायरेक्ट याद होगा, सीधे दिख रहा है डबल बॉन्ड है। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 2। एसओ फोर टू माइनस का, एसओ थ्री टू माइनस का, अभी बताया था स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या था उसका? फोर बाई थ्री। एसओ फोर टू माइनस का अभी तुम लोगों ने बताया था, 6 बॉन्ड था, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया 1.5 ना। बॉन्ड एनर्जी ऑफ एसओ बॉन्ड किसके ज्यादा होगी? एसओ टू में ग्रेटर देन एसओ फोर टू माइनस देन एसओ थ्री टू माइनस, यही है ना। ओके इतना क्लियर हो गया ना सबको? सो नाउ वी स्टार्ट बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स इसमें तीन पढ़ेंगे हम लोग, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल, ये तीन पढ़ना है। तो पहला स्टार्ट करते हैं, पहला बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, यही है ना। एंड सेपरेट द बॉन्डेड एटम इन द गैसियस स्टेट इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी, यही हो गया ना। उसको मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, ऐसे वन मॉलिक्यूल का भी डिफाइन कर सकते हो, जनरली वन मोल का डिफाइन किया जाता है। वन मोल ऑफ बॉन्ड्स, एक मोल बॉन्ड जो हो गया उसको ब्रेक करने में जो एनर्जी चाहिए है ना। और बॉन्डेड एटम कैसा आ जाना चाहिए? गैसियस स्टेट में आना चाहिए। And convert to gaseous state. इस चीज को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी कैसे हो जाएगा? जैसे कि
इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा तुम्हें किलो जूल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल, यही होगा ना, किलो जूल या किलो कैलोरी पर मोल बॉन्ड एनर्जी का। अब इसमें क्या होगा, जैसे सी एच फोर के साथ 4 सिंगल बॉन्ड ले लो या सी ओ सीओ टू ले लो, हाँ जैसे ये हाइड्रोजन ही ले लो, दो हाइड्रोजन आइटम आ गया, इसको x किलो जूल एनर्जी दे दो, ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, दो एच रेडिकल में, दोनों हाइड्रोजन अलग हो गए, तो ये बॉन्ड एनर्जी हो गया। इसमें इतना एनर्जी देना पड़ा ना, तो जब एनर्जी देना पड़ता है तो उसको डेल्टा एच लिखते हैं, जैसे डेल्टा एच हो गया, इसका रियल डेटा बताता हूँ कितना, लर्न नहीं करना होगा बट बॉन्ड एनर्जी का एक डेटा, किलो कैलोरी पर मोल, डेल्टा एच हो गया 40 कैलोरी पर मोल, मतलब तुम एक मोल हाइड्रोजन लोगे और उसको सबको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया ना, तो तुम्हें जो एनर्जी लगेगी वो 40 किलो कैलोरी होगी। अब बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, एवरेज बॉन्ड एनर्जी लेते हैं, है ना, एवरेज बॉन्ड एनर्जी इज कंसिडर्ड, जैसे H2O होगा ना, HOH, तो पहले ब्रेक किया किसमें, HO रेडिकल और H रेडिकल में, यहाँ पे X देना पड़ा, फिर O रेडिकल प्लस H, यहाँ X किलो जूल लग गया मान लो, और यहाँ Y किलो जूल लग गया, तब ये ब्रेक हो गया O रेडिकल और H रेडिकल में, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH जो होगा वो एवरेज हो गया, OH बॉन्ड इज इक्वल टू ओवरऑल कितना हो गया, X प्लस Y बाई टू। उसी तरह CH4 को जब तुम ब्रेक करोगे एक एक करके तो क्या होगा, इसको ब्रेक करने मान लो X लग रहा है, फिर इसको Y लगेगा, फिर इसको Z लगेगा, फिर W होगा, तो बॉन्ड एनर्जी कितना हो गया, एवरेज लेना, पहले को ब्रेक करने में X लग गया, दूसरे को Y लग जाएगा, फिर Z लग जाएगा, फिर W लग गया, डिवाइडेड बाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच बॉन्ड ऐसा होगा। मान लो पहले को ब्रेक करने में 10 जूल लगा, दूसरे को ब्रेक करने में 20 जूल लग रहा है, तीसरे में 30 जूल, चौथे में 40 जूल, बाद में एनर्जी बढ़ते जाती है जितना अनस्टेबल होते जाएगा, तो तुम्हें बॉन्ड एनर्जी कितना लेना पड़ेगा, एवरेज ले लो, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 बाई 4, मतलब 25 जूल। बॉन्ड एनर्जी क्लियर हो गया, क्या बॉन्ड एनर्जी डिफाइंड है, ओके okay. ये आ गया बॉन्ड एनर्जी का। अब बॉन्ड एनर्जी फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, या बॉन्ड एनर्जी का वेरिएशन देखते हैं। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स अपॉन, पहला होगा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर होगी, then two and half bond, then two bond, then one and half bond, then one bond, then partial bond. जैसे ऐसे दिया रहे H3C CH3, H2C double bond CH2, HC triple bond CH. इसकी bond energy की बात करें तो ये X किलो जूल, इसमें Y किलो जूल, इसमें Z. तो कौन सा greater होगा, Z is greater than Y than X. First example clear हो गया। Second example जैसा भी बताया, CO greater than CO2 than CO3 2 minus. Bond order से ही तो आ रहा था ना। Bond order इसका direct 3 bond, इसमें 2 bond, इसमें 4 by 3 bond. दूसरा हो गया
यदि बॉन्ड ऑर्डर से नहीं मालूम चले तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में जाओगे तो कैसे होगा, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड टू परसेंट एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर किसका कितना था, मतलब एस इज फाउंड क्लोजर टू न्यूक्लियस, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा ना, एस पी ग्रेटर देन एस पी टू देन एस पी थ्री, एस पी बॉन्ड क्या हो गए, एस पी स्मॉलर होंगे ऐसे, राइट, एस पी टू क्या होगा, थोड़ा सा लार्ज पड़ेगा, एस पी टू का साइज थोड़ा सा ऐसे लार्ज पड़ जाएगा, और एस पी थ्री क्या हो गया, और ये न्यूक्लियस अवे चला गया, ऐसे लार्ज हो गया। तो परसेंट एस कैरेक्टर किसमें ज्यादा था, एसपी में 50% था ना, एसपी टू में 33%, इसमें 25%, तो एसपी का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर पड़ेगा। ओके, तो तुम्हें बॉन्ड एनर्जी बताना है इसमें, एच सी एच सी एच डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसको ब्रेक करने में मान लो 1 किलो जूल लग गया, इसको ब्रेक करने में y किलो जूल लगे, इसको ब्रेक करने में z किलो जूल लगा, तो तीनों में रिलेशन क्या है, करेक्ट है, नहीं नहीं आयुष थोड़ा रॉन्ग हो गया। अब ये सारे तो सिंगल बॉन्ड ही है, बट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखो तो sp3 है, ये ओवरलैप किसका हो गया, sp3 और s ना, और ये ओवरलैप किसका हो गया, sp2 एंड s ना, क्योंकि sp2 है, ये sp2 है, ये कल बताया था ना कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे प्रीवियस लेक्चर में, ये कौन सा एस पी एस ना, तो कौन सा ज्यादा होगा, तो जेड इज ग्रेटर देन वाई देन एक्स, ओके नेक्स्ट का बताओ, एस थ्री सी सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, एक्स किलो जूल वाई किलो जूल जेड किलो जूल, कौन सा ग्रेटर होगा, करेक्ट, यस साहिल करेक्ट है, आयुष करेक्ट है, हाँ ये हाइब्रिडाइजेशन पे, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या था, इसके पास था सारा सिग्मा बॉन्ड, ये sp3 है, ये sp3 है, यही है ना, तो पहला वाला किसका ओवरलैप हो गया, ये ओवरलैप किसका है, sp3 का ना, और ये किसका हो गया, sp3 sp2 का ना, और यहाँ sp2 और ये sp है, तो जितना sp होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना,
x is greater than y than z. और ये क्या हो गया, sp3 पड़ रहा है, तो वो वीक पड़ रहा था। देख लो क्लियर हुआ। ओके नेक्स्ट हो गया। डाउन द ग्रुप बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस एज साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगा। बॉन्ड एनर्जी में देखें HF, HCl, HBr, HI, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा? HF ना, HI वीक होगा। HI बड़ा एटम है तो उतना ज्यादा बॉन्डेड ही नहीं होगा, तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस। तो इसी के लिए कौन सा ईजी हाइड्रोजन प्रोवाइड किया, HI ना, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। एक और कंसेप्ट आएगा, जो हाइड्रोजन देता है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, तो एच आई स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और एच एफ रिड्यूसिंग एजेंट ही नहीं है, ऐसा हो जाता है। हाइड्रोजन देता ही नहीं, एच एफ वीक एसिड है, एच सी एल उससे स्ट्रॉन्ग है, एच बी आर उससे स्ट्रॉन्ग है, एच आई तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिडिकेशन बार बार पूछता है वो। ओके डाउन द ग्रुप हमेशा क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस, जैसे एच टू ओ, एस टू टी, एस टू एस, एस टू एस सी, एस टू टी, क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा हो गया, एस टू टी ना, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, वो आराम से हाइड्रोजन डोनेट करेगा। ओके एफ टू सी एल टू बी आर टू आई टू, बॉन्ड एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, यही है ना, बट एक एक्सेप्शन आता है, ये इधर आ जाता है। हाँ तो ये एक्सेप्शन लर्न कर लोगे, कहीं ना कहीं जाके आगे लर्न करना ही है। सी एल टू बी आर टू एफ टू और आई टू, एफ टू आई में लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, छोटा सा ही है ना, ये मोर रिपल्सन। F2 इसीलिए हाईली रिएक्टिव होता है, तुरंत ब्रेक होता है फ्लोरीन फ्लोरीन, ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, स्मॉल साइज है ना, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके कारण Cl2 ग्रेटर देन Br2 देन F2। लोन पेयर रिपल्सन से क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, डिक्रीजेस, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगा ना। बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, कार्बन कार्बन इज ग्रेटर देन व्हाट, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन होगा सिंगल बॉन्ड का, देन ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो दो दो लोन पेयर है, देन फ्लोरीन फ्लोरीन, मतलब सिंगल बॉन्ड बनाओगे तो ऐसा होगा, ऑल सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, नहीं तो N2 की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑल सिंगल बॉन्ड। क्लियर हुआ? ओके तो ये सिंगल बॉन्ड कैसा हो जाता है, इसके अलावा जब ओवरलैप ऐसे रहे सिंगल बॉन्ड का, तो पीपी ओवरलैप इज ग्रेटर देन एसपी देन एसएस, ये आएगा ही क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड वाला पीएनपी तो वीक ही होगा,
रन P5 बट यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो उसमें उल्टा जाता है, मोर डायरेक्शनल द बॉन्ड, मोर डायरेक्शनल द बॉन्ड क्या होगा, ग्रेटर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो जितना डायरेक्शनल होगा। ओके उसके बाद ये बॉन्ड एनर्जी वाला पार्ट तो कर लिया सब उन्होंने, राइट डन। नेक्स्ट बॉन्ड लेंथ की बात करें, तो बॉन्ड लेंथ का डेफिनेशन क्या हो गया, बॉन्ड पैरामीटर पढ़ लेना बुकलेट से एक बार, पूरा थियरी बुकलेट से पढ़ लेना, बुकलेट मोर देन सफिशियंट है। ये क्या कहलाएगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, टू सिंगल कोवेलेंटली बॉन्डेड, बॉन्डेड एटम, मतलब दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे थे, जैसे ये दो एटम हो गया ना, यहाँ ये न्यूक्लियस या न्यूक्लियस है, इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ, यही है ना। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ तो डायरेक्ट हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर का अपोजिट आ जाएगा, तो इसमें क्या होगा, बॉन्ड लेंथ डाउन द ग्रुप, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ विल बी इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड ऑर्डर, मतलब CH3 CCH3, H2C डबल बॉन्ड CH2 और HC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो बॉन्ड लेंथ इसका ग्रेटर होगा देन दिस, ये X एंगस्ट्रम, ये Y और ये जेड, एक्स इज ग्रेटर देन वाई देन जेड, मैंने तो डेटा भी दे दिया था, तो डेटा ही दे देता हूँ, 1.34 1.54 1.2, ये ऑर्गेनिक में जाकर लर्न करना पड़ेगा डेटा, यहाँ अभी नहीं भी याद होता चलेगा, 1.54 करना, 1.54 एंगस्ट्रम, 1.34 एंगस्ट्रम, 1.2 एंगस्ट्रम, ऐसा। ओके सेल क्लियर नहीं हुआ, ये डेटा डायरेक्ट था इसका, sp3 क्या हो गया, बड़ा बॉन्ड होता है, sp छोटा होता है, sp2 और बड़ा होता है, sp3 और बड़ा होता है, यही था ना। और यहाँ पे क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर है, ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो जितना ज्यादा बॉन्ड आएगा उतना क्या होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होता जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते जाएगा। तो अब तुम्हें बॉन्ड लेंथ पूछा जाए, CO बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का ही दे दो, तो क्या होगा, CO3 2- इज ग्रेटर देन CO2 इज ग्रेटर देन CO, क्यों, बॉन्ड ऑर्डर है कितना इसका, 4/3 2 और इसका 3, कार्बोनेट का ग्रेटर देन CO2 देन CO,
ओके सो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग आएगा यहाँ पे बॉन्ड एंगल. तो बॉन्ड एंगल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे.